हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक आखिरकार घटना के 16 दिन बाद गिरफ्तार हो चुका है। इसका दावा खुद अब्दुल मलिक के वकील ने किया है। अब्दुल मलिक के वकील अजय बहुगुणा, शलभ पांडे और देवेश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बिल यानी अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अब्दुल मलिक घटना के दिन यहां नहीं थे। इसी याचिका के दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक का एक पता भी इसमें लिखा जो कि दिल्ली का था। बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उसके पते पर पहुंची और यहाँ से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। बनभूलपुरा से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, इसमें जो मैटर है 8 फरवरी का, उससे पहले जो मेन एक्यूज्ड जो इन्होंने बनाए हैं अब्दुल मलिक जो हैं, तो वो जो है वो घटना में है ही नहीं। वो घटना से करीबन 2 या 3 दिन पहले से घटना से बाहर हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट का जो है पूरा कंप्लीट यहाँ दिखाया गया है कि वो घटना में यहीं थे, तो उसी के अगेंस्ट में कि वो है ही नहीं, तो आपने किस तरह से उनको मेन एक्यूज बनाए, और प्लस आप गिरफ्तारी का हमें डाउट है कि उनको कभी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उस बेस पर हमने जो है यहाँ एंटीसिपेटरी मूव करी थी। हमारा एंटीसिपेटरी जो फाइल हुआ है उसमें हमने उनका जो प्रेजेंट एड्रेस था जो दिल्ली का था वो हमने मेंशन किया था, तो हमें पता लग रहा है हमारे सूत्रों से कि अब उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसीलिए अब हम फर्दर जो उसमें जो कानूनी रास्ते हैं हम वो तलाश रहे हैं और जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई करेंगे। देखिए